शिवरी चौधरी, 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 5000 रुपए प्रति माह युवाओं को देंगे, और अगर महिलाओं की बात करें तो 1000 रुपए प्रति माह हम गृहिणियों को देंगे। मूक दर्शक बना बैठा था, अब आपके पास जाके उनको लुभाने के अलावा, बेमतलब की थोथी बातें करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाओगे? क्या कहोगे कि अगली बार कोरोना आएगा तो हम दवाइयां 100 गुनी महंगी कर देंगे? अब की बार शमशान घाट में लकड़ी जो मिलती तो उससे ज़्यादा महंगी बेचेंगे? अब की बार किसानों पर जीप चढ़ाई, अगली बार आंदोलन करोगे हम आप पे ट्रक चढ़ाएंगे? अरे भाई, किस मुद्दे पर जाओगे जनता के बीच में? इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपकी जयंत और अखिलेश जी की जोड़ी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है जी। और कल ही स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने अजीत जी को धोखा दिया था, ऐसे ही अखिलेश यादव जयंत को धोखा देंगे और उनको बहला फुटला लिया गया है। उनसे बोलो आप जनता को धोखा ना दें, आप जनता से झूठ ना बोलें, आप जनता को ना फुसलाएं। बाकी कौन क्या कर रहा है उनको व्यक्तिगत मामलों को छोड़िए, जो आप 5 साल से जनता को धोखा दे रहे हैं उसका हिसाब जनता मांगेगी आपसे। आपने जनता के साथ जो धोखा किया है, उन्हें फुसलाया है, उन्हें जो टगा है, जनता उसका जवाब देगी। ये व्यक्तिगत मामले हम बाद में देख लेंगे। एक सवाल ये खड़ा होता है कि बरेली में 9 सीटों पे आपने एक भी यादव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो यादव है वो संतुष्ट नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि दूसरी ओर आंवला में जिराज यादव जो आपकी पार्टी से ही हैं वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए, आपको उनको निष्कासित तक करना पड़ा पार्टी से, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे और उनकी जगह पर भाजपा को उसका फ़ायदा मिले। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी हर विधानसभा में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लिया है, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के जो कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में खड़े होने लायक रहे हैं, जिसकी आज की डेट में हमें ये महसूस हुआ है मेरे नेता को कि ये जनता के सुख दुख की लड़ाई भी लड़ेंगे, अच्छा संघर्ष करेंगे और जीत के समाजवादी सरकार बनाने के उसमें जाएंगे। जो टिकट तो एक कोई मिलता है भाई, पूरे ज़िले में 9 ही सीटें, आबादी बहुत बड़ी है पूरे ज़िले की, तो इस मामले में जो लोग ऐसा सोचते हैं मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, उन्होंने फ्री स्कूटी देने की बात कही है, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही और तमाम भी लोक निर्माण वादे किए हैं, क्या कहेंगे? 5 साल तक क्या कर रहे थे हर बात पे? पहले आपने भी फ्री बोला था कि हम 15 लाख रुपए लेके आएंगे, एक एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए लेके आएंगे, ये वैसे ही फ्री स्कूटी है जैसे 15 लाख फ्री थे? तो जनता तो सवाल करेगी ना कि तुम तो झूठ। और जब ये पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आपने 15 लाख की बात, मित्रों को मेरा नमस्कार, अखिलेश कटियार मेरा नाम है, समाजवादी पार्टी का मैं स्टार प्रचारक हूँ और राष्ट्रीय सचिव हूँ संगठन में। उत्तर प्रदेश में 2022 के जो इलेक्शन चल रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी किन नीतियों पे, किन विचारों पे चुनाव लड़ रही है, उस संबंध में आप लोगों से बात करनी है। जो बरेली के अंदर बरेली मंडल में सरकार को ये देखा था कि MSP को कानून का स्वरूप मिलना चाहिए और किसानों को MSP मिलनी चाहिए, और लेकिन दुख इस बात का है कि 8 साल से 7 साल पहले चरण का चुनाव भी थम जाएगा। क्या लगता है पहले चरण में किस तरीके का आपका मुकाबला, जो 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी का? मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है कि मुकाबला हमसे है, जगह जगह इनके प्रत्याशियों को गाँव के लोग गाँव से भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, जनता इनके प्रधानमंत्री जी और योगी जी के कार्यक्रमों में आ नहीं रही है। अरे कैसे भूलेगी जनता जिसने पाँच साल में जो पीछे के दो साल हैं कोरोना में जिसे ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आपदा में अवसर तलाशो, दवाइयों की कालाबाजारी करो, ऑक्सीजन का सिलेंडर 50 गुने में बेचो, तो जनता ने जिस तरीके की परिस्थितियों से जो जनता गुजरी है वो तो उसने मन बनाया है, कर्मचारियों ने मन बनाया है कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना है, मुझे अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। जो कर्मचारी 40 साल 30 साल मित्र काम करे और इसके बाद कहें आप निकाल के फेंक देंगे, उसकी पेंशन खत्म, तो समाजवादी पार्टी ने उनकी पेंशन के लिए
किसानों की एमएसपी के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, घरेलू बिजली के लिए, शहीद किसानों को सम्मान के लिए, इन सब नीतियों पे एमएसपी का कानून बना के उत्तर प्रदेश में सब किसानों को देने के लिए हम लोगों ने एक नए एजेंडे के साथ, एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ चुनाव में है जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे के सरकार बनाने जा रही है। 58 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि कितनी सीटों पे आपको कामयाबी मिलने जा रही है पश्चिमी यूपी में जो 58 सीटें पहले चरण में? साथी, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पे कहीं लड़ाई में ही नहीं है और ये चुनाव जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता ने 5 साल जिस तरीके का जीवन देखा है, अरे जो लाइन आपने एटीएम से नोटबंदी से शुरू हुई, उन लाइन आपने शमशान घाट तक लगा दी, तो जनता बीजेपी के खिलाफ है। जनता अपना संविधान बचाना चाहती है, जनता अपनी आने वाली नस्लों के लिए लोकतंत्र को बचा के आगे बढ़ना चाहती है। लड़ाई जनता लड़ रही है, हम जनता के साथ खड़े होकर उसकी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जगह जगह डोर टू डोर बड़े बड़े नेता, उनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं जी, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में काफ़ी धीमी रफ्तार से? नहीं, वो उनके पास है, लोगों के पास 5 साल जनता को ठगा और लूटा। अब लूटने के बाद इस 5 साल उत्तर प्रदेश में और 7 साल देश में, दो गुजराती देश में लेके जाना चाहते हो, तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, आपस का भाईचारा, इस मुद्दे पे हम